News 18 India। हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, और आज जिक्र होगा इसराइल और हमास की जंग का। ये जंग इन दिनों आप देख रहे होंगे खबरों से थोड़ा सा दूर जरूर चली गई है, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है, जंग अब भी चल रही है। इसराइल और हमास एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन हालात अब कुछ ठीक नहीं है। ठीक इसलिए क्योंकि हमास के लिहाज से ये जंग अब एक और खात्मे की तरफ बढ़ती जा रही है। इसराइल हावी होता जा रहा है हमास पर, और इसी वजह से हमास के जो लड़ाके हैं उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो डगमगाने लगी है। वहां पर सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। याह्या सिनवार, इस शख्स का नाम आपने बहुत बार इस जंग के दौरान सुना होगा। जब ये जंग शुरू हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को, उस दौरान भी आपने कई बार कई दफा इसका नाम सुना होगा, जिसका जिक्र बार बार खबरों के जरिए भी किया गया, क्योंकि यही मास्टरमाइंड था इस पूरी जंग का। इसराइल पर हमले कब करने हैं, कैसे करने हैं, कितना इक्विपमेंट्स उसको चाहिए, कितनी तोपें चाहिए, और कैसे अचानक से किया जाए ताकि इसराइल दोबारा हमास पर हमला ना कर सके, ये जो पूरा मास्टर प्लान खींचा था ये इसी शख्स की ओर से खींचा गया था, जिसका नाम था याह्या सिनवार। याह्या सिनवार ही इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था, और इसी वजह से इसराइल की नजरें, इसराइल की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो उसके पीछे पड़ी हुई थी। अब हालात यहां तक आ गए हैं कि जहां जहां इसराइल को खबर मिलती है कि याह्या सिनवार छिपा हुआ है, कहा यह जा रहा है कि इस वक्त वो आम लोगों के बीच में छिपा हुआ है रफा के पास, और जहां जहां भी वो जाता है इसराइल वहीं पर हमला करता है। और अब खात्मे की ओर धीरे धीरे हमास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमास के तमाम लड़ाके इस पूरी जंग में मारे गए थे, क्योंकि शुरुआत हमास की ओर से की गई थी, लेकिन इसराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने उसी वक्त कह दिया था कि खत्म इस जंग को अब इसराइल ही करेगा, इसलिए इसराइल अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है योव गैलेंट, उन्होंने ये कहा है कि याह्या सिनवार जिंदा है, और उसका एक वीडियो भी उनको मिला है जहां पर वो एक टनल के अंदर से भागता हुआ नजर आ रहा है, और इस वक्त वो आम लोगों के बीच में छिपा हुआ है। तो याह्या सिनवार इस वक्त रफा बॉर्डर के आसपास कहीं आम लोगों के बीच में छिपा हुआ है, ये इंटेलिजेंस इसराइल को इस वक्त मिला है, और इसी वजह से रफा पर बहुत तेज हमले इसराइल ने शुरू कर दिए हैं। इतने तेज ये हमले किए जा रहे हैं कि अमेरिका और कई सारे यूरोपीय देश हैं, उन्होंने तक अब इसराइल को कहा है कि अब रुक जाओ, कि वहां पर इतने ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा है, जो आम लोग हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, भाग रहे हैं वहां से, और उन्हीं का सहारा लेकर याह्या सिनवार वहां पर छिपा हुआ है, ऐसा इंटेलिजेंस कहता है इसराइल का। तो याह्या सिनवार को खोजने के तमाम तरीके यहां पर ढूंढे जा रहे हैं, और जो टॉप लीडरशिप है वो याह्या सिनवार पर भरोसा नहीं कर पा रही है हमास में। इसका एक कारण वो ये मानते हैं कि उसी की वजह से उसके तमाम जो लड़ाके हैं हमास के वो खत्म हो गए हैं, वो मारे जा चुके हैं। जहां जहां वो जाता है वहीं वहीं पर इसराइल हमले करता है, और उसका इंटेलिजेंस भी उन तक पहुंच जाता है। इसी वजह से अब टॉप लीडरशिप याह्या सिनवार, जो इस पूरे गेम का मास्टर प्लान था, मास्टर माइंड था, उस पर अब यकीन नहीं करना चाहते हैं। तो फूट एक तरीके से अंदर खाने हमास के अंदर ही पड़ने लगी है। हमास के तमाम लड़ाके अब तितर बितर हो चुके हैं, किस पर भरोसा किया जाए, किस पर ना किया जाए, कौन अपना है कौन पराया है, ये फैसला जो टॉप लीडरशिप है हमास की वो कर नहीं पा रही है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि नेतन्याहू जो हैं उनसे अमेरिका और यूरोप के देश रफा बॉर्डर पर हमले बंद करने के लिए कई बार जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि वहां पर जितने भी सिविलियन कैंप्स हैं वहां जो लोग हैं मौजूद, जो आम लोग हैं वो परेशान हैं। लेकिन इस पर इसराइल ने सफाई दी कि उन्हीं सिविलियन कैंप्स में, वो जो कैंप्स शरणार्थी कैंप्स वहां पर लगाए गए हैं, हमास के बहुत सारे लड़ाके वहां पर छिपे हुए हैं, इसी वजह से उसकी ओर से बार बार हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि हमास की जो टॉप लीडरशिप है याह्या सिनवार, उस पर अब इस वक्त कोई भरोसा नहीं करना चाहता, और हमास इसी वजह से अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि हमास ये मानता है कि उसी की वजह से, याह्या सिनवार की वजह से ही हमास के लड़ाके खत्म हो रहे हैं। आपका क्या कहना है इसराइल हमास जंग को लेकर? आप भी अपनी टिप्पणी हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए। और अगला कौन सा टॉपिक ऐसा है जिस पर आप चाहेंगे कि हम बात कर सकें आपके साथ, आप वो भी कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बता सकते हैं। We'll be right back.